जय हिंद। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी 2018 के जो रिटर्न एग्ज़ाम हुआ था, जिसका अभी फ़िलहाल में मेरिट आया है। उसमें मेरा मार्क्स 100 में 99.6125 कैसे आया, क्या थी मेरी रणनीति, मैंने कैसे स्ट्रेटजी अपने बनाकर उसको फॉलो किया, प्लस में मैंने कौन से बुक को प्रीफर किया, ये मैं चर्चा करने वाला हूँ। साथ ही साथ एसएससी जीडी 2021 जो आपकी अपकमिंग वैकेंसी है जो आने वाली है, सबको मालूम है, उसमें बच्चों को कौन सी स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए जिससे उन्हें रिटेन में ही ना सफलता मिले, साथ ही साथ वो मेरिट में भी अपना मतलब मेरिट भी उनका बन जाए, यही हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाता हूँ, अपना स्कोर कार्ड दिखाऊंगा, उसके बाद मैं स्ट्रेटजी पर आप चर्चा करूँगा और बुक के बारे में बताऊँगा। तो चलिए हम डायरेक्ट उसी पर चलते हैं। तो ये मेरा स्कोर कार्ड है, नाम है ये, मम्मी का नाम, पापा का नाम और ये डेट ऑफ बर्थ ऐसे ही है। तो डायरेक्ट मैं स्कोर कार्ड पर दिखा रहा हूँ, ठीक ना। तो यहाँ नीचे स्कोर कार्ड है, तो देखिए यहाँ पे पार्ट ए यानी जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, यानी रीजनिंग में मेरा कितना मार्क्स आया था, तो रीजनिंग में मेरा 25 out of 25 यानी 25 में 25 मार्क्स यानी फुल मार्क्स आया था। वही बात किया जाए पार्ट बी में, तो पार्ट बी में जनरल नॉलेज यानी जनरल अवेयरनेस में मेरा कितना मार्क्स था, तो 19 मार्क्स था, ठीक है। वही मैथ में बात किया जाए पार्ट सी था, तो उसमें भी 25 मेरा मार्क्स था यानी 25 out of 25। वही पार्ट डी में हिंदी या इंग्लिश लेना था, तो मैंने क्या बोलते हैं हिंदी को नहीं लिया था, सॉरी इंग्लिश को नहीं लिया था और हिंदी को लिया था, तो हिंदी में मेरा 24 मार्क्स आया था। एक शायद कोई परिवाची याद नहीं आ रहा है, वो गलती हो गया था ना, इसी वजह से मेरा मार्क्स 24 आया था। तो कुल मिलाकर मेरा रॉ मार्क्स कितना था, 93 था। कुल मिलाकर मेरा रॉ मार्क्स कितना था, 93 था। और वही फाइनल स्कोर यानी नॉर्मलाइजेशन के बाद यानी नॉर्मलाइज मार्क्स मेरा कितना था, 99.6125 यानी 6.6125 पहले नॉर्मलाइजेशन के बाद बढ़ा था। तो ये रहा मेरा नॉर्मलाइज मार्क्स यानी रीजनिंग, मैथ में मेरा फुल मार्क्स था और हिंदी में थोड़ा एक नंबर के लिए वो गलती हो गया था ना, दिमाग पर नहीं चल रहा था इसलिए वहाँ गलती हो गया था। और मैंने ये जीके में मेरा 19 मार्क्स था। और वैसे भी मेरा ये क्या बोलते हैं नक्सल डिस्ट्रिक्ट में आता है, कैमूर जिला बिहार का ये नक्सल डिस्ट्रिक्ट है, ठीक ना। तो चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं, अब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए उस बारे में, ठीक है। हाँ चलिए बात करते हैं आप स्ट्रेटजी के बारे में। तो देखिए सबसे पहले ये आपको डिसाइड होना चाहिए कि आप सिलेबस जानते हैं कि नहीं। तो इसका सिलेबस लगभग सभी बच्चे जानते होंगे जो अभी फ़िलहाल में एग्ज़ाम दे दिए होंगे, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है इसमें, ठीक ना। और वो बच्चों को भी जानना बहुत ज़रूरी है जो कि अपकमिंग वैकेंसी में अपना एग्ज़ाम देंगे। तो देखिए सिलेबस में क्या है कि 25 क्वेश्चन का 4 पार्ट्स रहेगा, ठीक ना, यानी टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन, ठीक ना। 25 क्वेश्चन का 25 क्वेश्चन मैथ रहेगा, 25 क्वेश्चन रीजनिंग रहेगा, 25 क्वेश्चन जीके रहेगा और 25 ही क्वेश्चन आपका इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लेना रहेगा, ठीक ना। यानी 25-25 क्वेश्चन सब आपको रहेंगे पार्ट्स में। अब बात किया जाता है कि इसका स्ट्रेटजी कैसे अपनाया जाए, कितना टाइम पढ़ा जाए, कि कैसे रूटीन बनाया जाए, ये सब आपकी बात होती है। तो देखिए सबसे पहले आज से एक डेली का टाइम टेबल बनाइए, मात्र 5 से 6 घंटा, ज़्यादा नहीं, 5 से 6 घंटा का टाइम टेबल बनाइए कि 5 से 6 घंटा मुझे डेली पढ़ना है, ठीक। 5 से 6 घंटा डेली पढ़ना है, प्रत्येक सब्जेक्ट पे उतना ही ध्यान देना है, ठीक ना। अब 5 से 6 घंटा किस सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है मैं आपको बता रहा हूँ, बुक के बारे में बता रहा हूँ, ठीक ना। तो चलिए अब डायरेक्ट वही बता रहा हूँ मैं आपको कि कौन सा पढ़ना है, डायरेक्ट इसी को हटा दें यार, या चलिए देखिए सबसे पहले मैथ की बात किया जाए। तो देखिए मैथ और रीजनिंग का बात कर रहा हूँ मैं। देखिए मैथ और रीजनिंग में सबसे पहले आपको बेसिक पता होना चाहिए, यानी बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक ना। बेसिक यदि आपका क्लियर है तो मैथ रीजनिंग इतना हार्ड नहीं पूछता है, ठीक ना, एकदम मीडियम भी नहीं पूछता है, एकदम स्लो ही पूछता है ना। यदि कोई बच्चा तैयारी कर रहा होगा रेलवे वेलवे का, तो वो आराम से मैथ रीजनिंग लगा देगा, 25 out of 25 मतलब उसके लिए आसान है, 20 से 25 के बीच में तो वो आराम से आ जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैथ रीजनिंग के लिए आपको बेसिक क्लियर करना पड़ेगा। बेसिक कहाँ से क्लियर होगा, तो किसी भी ऑफलाइन यदि आप कोचिंग कर रहे होंगे तो वहाँ से क्लियर हो सकता है, या ऑनलाइन यूट्यूब पे बहुत सारे माध्यम हैं, आप टॉपिक सर्च कीजिए, यानी परसेंटेज आपको पढ़ना है तो परसेंटेज लिखिए, परसेंटेज एसएससी जीडी या परसेंटेज रेलवे कोई भी लिखेंगे, मतलब सब में तो एक ही है ना, मतलब मैथ पढ़ना है, मतलब लेवल हाई रहता है, यदि आप लेवल हाई पढ़ेंगे तो लोग अपने आप आपको कवर हो जाएगा, ठीक ना। हाई टू लेवल को किसी चैनल पर बताया गया हो, ऐसे बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर ये सब कंप्लीट कराया गया है ना सब्जेक्ट। तो मैथ और रीजनिंग के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिए कि बेसिक कंप्लीट कीजिए,
किसी भी टीचर से, ठीक ना, टीचर से बेसिक कंप्लीट करना, अपने से नहीं। यदि मैथ और रीजनिंग आपका बेसिक कंप्लीट हो जा रहा है तो किसी भी बुक से, मतलब कोई भी आपके पास प्रैक्टिस सेट है मैथ का, मैं आर एस अग्रवाल की यह बता दे रहा हूँ, ठीक ना। एक बुक का नाम, आर एस अग्रवाल का, आप नाम सुने होंगे, आर एस अग्रवाल से बुक से आप बेसिक क्लियर कर सकते हैं। वैसे कोई भी बुक आपके पास हो अच्छा है, ठीक ना, मैथ सिर्फ रिवीजन करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन बेसिक आपको किसी भी टीचर से कंप्लीट करना है, ठीक ना। बेसिक अपने से नहीं, टीचर से। जब बेसिक आप कंप्लीट कर लेंगे अच्छे से तो उस पर लगभग लगभग आपको 2-3 हज़ार क्वेश्चन बना देना है। 2-3 हज़ार से मतलब ज़्यादा ही, मैं ना लगभग मैं बता रहा हूँ, 2-3 हज़ार से ज़्यादा है आपका, जितना भी आपसे बन सके। 2-3 हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन अगर बना दीजिएगा आप किसी भी प्रैक्टिस सेट से तो आपका मैथ और रीजनिंग कम्प्लीट हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ आपको जीके और क्या बोलते हैं हिंदी के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले मैं हिंदी के बारे में बात कर रहा हूँ। हिंदी के लिए आप कुछ मत कीजिए, हिंदी ऐसी बेसिक पूछता है, कोई उतना टफ नहीं पूछता हिंदी। तो हिंदी के लिए क्या कीजिएगा कि एक लूसेंट का आता है हिंदी, ठीक ना, या लूसेंट का एक स्पीडी का भी आता है हिंदी, ये पतला वाला, लूसेंट से अच्छा है स्पीडी, इसलिए उतना हार्ड नहीं पूछता है। तो स्पीडी का ये ले लीजिएगा, क्या बोलते हैं बुक ले लीजिएगा, उसको कंप्लीट कर दीजिएगा, ठीक ना। अपने से पढ़कर या यूट्यूब पर भी सर्च कर लीजिएगा उसका टॉपिक। मान लीजिए अगर हमको पढ़ना है कारक, कारक कारक पढ़ना है तो कारक लिख देंगे, कारक यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आ जाएगा, कोई भी एक वीडियो पढ़ लीजिएगा और उसको नोट्स कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद चौथा आपका सेक्शन है जीके का, ठीक, जीके का। जीके के लिए देखिए, जीके ऐसा एक सब्जेक्ट है उस SSGD में जिसमें बहुत सारे लोग कम नंबर लाते हैं, इसलिए कि ना कि इसका कोई अंत वंत नहीं है, इससे तो सबको मालूम है, कितना भी पढ़ो फुल मार्क्स नहीं ला सकते हो जीके में, हम विद्वान ही लाएगा तो लाएगा। तो इसीलिए जीके के लिए मात्र एक बुक है, जीके के लिए मात्र एक बुक है, वही आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लूसेंट। कौन सा बुक? लूसेंट। लूसेंट के अलावा और कोई आप बुक मत पढ़िएगा, ठीक ना। लूसेंट में लूसेंट एनफ है SSGD के लिए। यदि 20 क्वेश्चन में आपका GK और GS मिलाकर पूछता है आपको 17-18, 17-18 में 14-15 लूसेंट से फंस जाएंगे। बाकी 2-3 के लिए आप कितना भी बुक पढ़ेंगे आप बस अपने को कन्फ्यूज करेंगे, बाकी कुछ नहीं है, ठीक ना। लूसेंट हो गया। और लूसेंट पर देखिए, लूसेंट इसलिए मैं बता रहा हूँ कि लूसेंट एक ऐसा बुक है कि ये, इसको लूसेंट को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट का नोट्स कहते हैं ना, नोट्स कहते हैं, इसलिए लूसेंट को पढ़ लीजिएगा, लूसेंट से बाहर नहीं पूछेगा। और रही करंट अफेयर, 5-6 पूछता है तो करंट अफेयर जब आपका ये क्या बोलते हैं एग्ज़ाम स्टार्ट होगा, आपको मालूम चल जाएगा ना, 1-2 महीने पहले एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो एग्ज़ाम से 2-3 महीने पहले करंट अफेयर्स पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा और लगभग 1 साल का करंट अफेयर्स पढ़ जाइएगा। तो ये हो गया आपका जीके जीएस मैथ रीजनिंग हिंदी का सबका। मैंने बुक भी बता दिया प्लस में आपको स्ट्रेटेजी भी बता दी। 5 से 6 घंटा ज़्यादा नहीं पढ़ना है, 5 से 6 घंटा की पढ़ाई करनी है, 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करनी है, लेकिन डेली बेसिस पर कंटिन्यू पढ़ाई करना है। ये ना कि आज पढ़ दिया कल नहीं पढ़े, तब तो फिर वो गड़बड़ है। कंटिन्यू यदि आज 5 से 6 घंटा आज से ही आप पढ़ रहे हैं ना, मैं जो बता रहा हूँ, जीके के लिए लूसेंट, हिंदी के लिए स्पीडी का हिंदी पतला सा आता है, मैथ रीजनिंग के लिए सबसे पहले आप बेसिक कंप्लीट कीजिए किसी भी टीचर से, या ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, और उसको नोट्स बनाइए। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाँ मैं ये बात भूल गया था, सबसे पहले आप नोट्स बनाइए। नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है, नोट्स बनाना बहुत, ये रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, हाँ, नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। यदि आपके पास नोट्स रहेगा तो यदि एग्ज़ाम के अंतिम समय में यानी अंतिम क्षण में बहुत काम आता है नोट्स, सिर्फ नोट्स ही पढ़ा जाता है एग्ज़ाम के अंतिम समय में। उस समय कन्फ्यूजन नहीं रहता है कि क्या पढ़ूँ क्या नहीं पढ़ूँ, एग्ज़ाम के अंतिम समय में बच्चों को ये कन्फ्यूजन रहता है यार क्या पढ़ूँ क्या छोड़ूँ ये सब, तो वो सब का कन्फ्यूजन नहीं, डायरेक्ट आप नोट्स पढ़ लीजिए, ठीक ना। तो ये मेरा बताया हुआ स्ट्रेटजी और ये जो मैंने बुक्स बताए हैं उससे निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, ये मेरी 100% गारंटी है। तो और भी किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो को कमेंट, वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद।